एबीपी गंगा की खबर पर लगी मुहर। वाराणसी और कानपुर में लागू होगी कमिश्नर रेट प्रणाली। कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्ताव हुए पास। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद। किसान संगठनों का दावा, बंद को विपक्षी पार्टियों का मिल रहा समर्थन। कांग्रेस, आरएलडी, सपा और लेफ्ट से समर्थन का दावा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले आज पहुंचेंगे लखनऊ। सर कार्यवाह बनने के बाद दत्तात्रेय का पहला लखनऊ दौरा। कल प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक। आगरा में बेकाबू होकर पलटा कंटेनर, हादसे में बाल बाल बचे राहगीर। कंटेनर पर लोड थी जेसीबी मशीन। सिकंदरा क्षेत्र के NS2 का मामला। आगरा में प्रेमिका ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी की दूसरी जगह शादी तय होने पर आगरा में प्रेमिका ने फेंका तेजाब। गंभीर रूप से जलने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमी ने दम तोड़ दिया। इटावा के ग्राम जगनमोहनपुरा के पास खेत में एक मजदूर का शव मिलने से फैली सनसनी। 40 वर्षीय जगवीर सिंह नाम के मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत्यु की वजह जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में गैस लीकेज से चाय की दुकान में लगी आग। आग की वजह से फटा सिलेंडर, जिससे दुकान में रखे हजारों का सामान जलकर हुआ रहा। पूरा मामला मांधाता कोतवाली के सामने का। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में बाग में लगी आग। आग की चपेट में आने से झोपड़ी जलकर हुई गिरा। फायर ब्रिगेड और लोगों ने आग पर पाया काबू। जायस थाना क्षेत्र के बहादुरपुर का मामला। नोएडा में DTC बस में लगी भीषण आग। बस में बैठी सवारियों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उन्नाव के जंगल में लगी भीषण आग। अहिरनपुरवा के पास जंगल में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अहिरनपुरवा के पास का मामला। मथुरा में बस की छत पर चढ़े श्रद्धालुओं से टच हुआ हाई टेंशन का तार। श्रद्धालुओं से भरी बस में आया करंट। लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल। एक श्रद्धालु की मौके पर मौत। शाहजहांपुर में हाईवे पर चंडीगढ़ से कुशीनगर जा रही प्रवासियों की एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलटी। पेड़ से टकराई बस। दो प्रवासियों की मौके पर मौत। 7 प्रवासी घायल। लक्सर के दापकी तिराहे के पास चलते ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भयंकर आग। गन्ने की पत्ती से भरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली। चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। गोंडा में आमने सामने बाइक की जोरदार टक्कर। CCTV में कैद हुआ हादसा। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में कराया भर्ती। बागपत में पेट्रोल पंप पर ट्रक में लगी आग। पंप पर खड़ा ट्रक धू धू कर जल उठा। डीजल डलवाते समय हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड ने पेट्रोल पंप पर बुझाई ट्रक की आग। खेकड़ा थाना क्षेत्र के डुंडा हेड़ा पेट्रोल पंप की घटना। कानपुर के जिला मुख्यालय में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस की ऑटो से जोरदार भिड़ंत। हादसे में ऑटो सवार 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। जालौन में तेज रफ्तार सवारियों से भरा टेम्पो पलटा। टेम्पो में सवार 5 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। एटा थाना क्षेत्र के ग्राम सोमई के पास झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 की घटना। अमेठी के मोहनगंज में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस की दुकान में लगी भीषण आग। 40 लाख से अधिक का टेंट हाउस का सामान जलकर राख। आग की चपेट में आने से 3 बाइकें भी जली। आगरा के थाना छत्ता के बेलनगंज में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से बाजार में फैली सनसनी। बेलनगंज में बंद स्क्रैप फैक्ट्री में हुआ धमाका। हादसे में 2 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नोएडा से मेरठ आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन की नोएडा डिपो की बस ने मेरठ शहर में लगभग आधा दर्जन वाहनों को रौंदा। बस चालक हुआ फरार। आधा दर्जन लोग घायल होने की मिली सूचना। गुस्साई भीड़ ने बस पर किया पथराव। गोंडा के वोटरों को लुभाने का विरोध करने पर हुई गोलाबारी। 2 लोग घायल। दूसरे पक्ष पर वोटरों को लुभाने के लिए साड़ी बांटने का आरोप। घायलों को कराया जा रहा है अस्पताल में भर्ती। अवैध शराब को लेकर रामपुर में आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। पंचायत चुनाव और होली के पर्व के मद्देनजर पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने
संदिग्ध स्थानों पर मारे छापे। जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए आबकारी विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। लखनऊ में विभूतिखंड के विराजखंड इलाके में मॉडल से रेप, काम दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस में बुलाकर किया दुष्कर्म, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपी हिमांशु सोनी के खिलाफ FIR दर्ज, विभूतिखंड पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में 10 साल पुराने रेप और छात्रा को जलाने की कोशिश के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को ट्रिपल आजीवन कारावास जबकि बाकी तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2011 में स्कूल जाते वक्त छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। मिर्जापुर में सड़क किनारे मिले तीन शवों का पुलिस ने किया खुलासा, चार लोग गिरफ्तार। बिहार राज्य के रोहतास जिले में तीनों व्यक्तियों की गोली मारकर हुई थी हत्या, आपसी रंजिश में की गई थी हत्या। भाजपुर पुलिस ने नकली नोटों के साथ दो युवकों को किया गिरफ्तार, पुलिस को युवकों के पास से हजारों रुपए के नकली नोट बरामद, पुलिस ने दोनों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। उन्नाव में पंचायत चुनाव में अवैध शराब की खपत को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमों को तैनात किया, DMSP ने बंद पड़ी शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर स्टॉक चेक किया। उन्नाव में ट्रक ने सब्जी विक्रेता को रौंदा, बाइक सवार सब्जी विक्रेता की दर्दनाक मौत, परिजनों ने ग्रामीणों के साथ उन्नाव लालगंज राजमार्ग पर लगाया जाम, पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस, बीगापुर थाना क्षेत्र के लालकुआं का मामला। अमेठी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त के पास एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेजा। शामली में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट पथराव में तीन महिलाओं सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के सात लोगों को हिरासत में लिया। पीलीभीत में दो बहनों की हत्या के मामले में खुलासा, दो बहनों की हत्या के मामले में भट्टा मालिक, भाई और मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मंदिर से घर लौट रही युवती को परेशान कर रहे मंचले की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच, दनकौर थाना क्षेत्र का मामला। बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के इंडियन बैंक के अंदर से टप्पेबाज ने अधेड़ का बैग छीनकर फरार, वाकया CCTV में कैद, पुलिस CCTV में कैद टप्पेबाज की तलाश में जुटी। देहरादून में साइबर ठगों के हौसले बुलंद, SSP देहरादून की फोटो लगाकर फेसबुक मैसेंजर के जरिए मांगे पैसे, सोशल मीडिया पर पैसे मांगने के स्क्रीनशॉट वायरल। संभल में दुकानदार से विवाद के बाद एक दर्जन से ज्यादा लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान कई लोग घायल हुए, सोशल मीडिया पर वायरल हुई लाठी डंडे चलने की लाइव तस्वीरें, गुन्नौर कोतवाली इलाके का मामला। सहारनपुर की गागलहेड़ी इलाके में हुई 27 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में अमीर शहीद इंटर कॉलेज रोड पर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कुतुब शेर थाने की मानक मऊ चौकी का मामला। बस्ती में तंत्र मंत्र के नाम पर युवती के इलाज के बहाने की दरिंदगी, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के विरुद्ध दुष्कर्म का किया मुकदमा दर्ज। आगरा में शहीद दारोगा प्रशांत यादव को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि, विभागीय अधिकारी और कर्मियों ने शहीद को किया नमन, राज्य कर्मी GS धर्मेश और विधायक राम प्रताप चौहान भी रहे मौजूद। बरेली पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को पकड़ा, जिनके पास से कोर्ट थाने और जजों की फर्जी मोहर बरामद हुई है। ये गिरोह अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जमानत करा चुका है। कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाने के लिए खटीमा में किसान और कांग्रेसी नेताओं ने शहर में जुलूस निकालकर व्यापारियों से बंद के लिए मांगा समर्थन। भारत में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटों में सामने आए 59,000 से ज्यादा केस, 257 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत, 32,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए ठीक। होली के रंग में सराबोर ब्रजभूमि,
आज गोकुल में खेली जाएगी लठमार होली। कन्हैया जी की डोला में सवार होकर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। वाराणसी के महाशमशान में खेली गई चिता भस्म वाली होली, जलती चिताओं के बीच काशी में रहने वाले लोगों ने खेली होली। मथुरा के कुंज में विराजमान होकर राजा धीराज ने खेली होली, हजारों भक्तों ने लिया होली का आनंद, उड़े रंग और गुलाल। कुंज एकादशी के दिन ठाकुर जी ने कुंज में विराजमान होकर खेली होली, मंदिर के कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, रंग और गुलाल ऐसे उड़े कि हर कोई सराबोर हो गया। हल्द्वानी में बैठकी और खड़ी होली की धूम, महिलाएं होली में स्वांग रचकर फागुन के रंगीले त्योहार में सराबोर, रंगोत्सव का आनंद ले रही महिलाएं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी संदेश। महादेव की नगरी में होली के रंग अपने शबाब पर हैं, संत भी होली के रंग में रंगे हैं, नन्हे बटुक गुलाब की पंखुड़ियां उड़ा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और होली की खुशियां मना रहे हैं। दो दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर शेख हसीना ने किया स्वागत, ढाका पहुंचने पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दो दिन की गिरावट के बाद बाजार में हुई रौनक, सेंसेक्स 550 पॉइंट चढ़कर 49,000 के करीब, निफ्टी भी 14,500 के स्तर पर खुला। आमिर खान के बाद थ्री इडियट्स के एक्टर आर माधवन ने बताया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। माधवन ने ट्वीट किया, फरहान को रेंचो को फॉलो करना ही था और वायरस तो हमेशा हमारे पीछे रहा है, लेकिन इस बार उसने हमें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये इकलौती स्थिति है जिसमें हम नहीं चाहते कि राजू यानी शर्मन जोशी शामिल रहे।